नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया। ये करीब 8:45 पर हुआ। एक साल पहले भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। कई बार जब कोरोना की पहली लहर देश में आई थी, संकट शुरू हुआ था, आप 2020 याद कर सकते हैं, तब सभी को लगा था कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमें अपने अंदर सकारात्मकता रखनी है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ताली बजाओ या थाली बजाओ या दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, हर किसी ने बड़े ही उत्साह के साथ उसमें शामिल होकर अपने अपनी ओर से जो भी योगदान दे सकता था किया। लॉकडाउन हुआ, तमाम तरह की दिक्कतें आई लोगों को, अचानक हुआ लॉकडाउन था, राशन पानी दवाइयाँ पलायन, लेकिन इस बार की जो लहर है वो बेहद खौफनाक लग रही है। आप देखिए, तस्वीरें आप देख रहे होंगे आजकल चैनल्स पे, अखबारों में, हमारे चैनल के माध्यम से, कि किस तरह से लोग जो हैं एक बार फिर पलायन कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आप ध्यान दें तो मुंबई और दिल्ली में। और इसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, लेकिन पूरा का पूरा अगर देखा जाए कि उस संबोधन में निचोड़ निकाला जाए कि क्या थी वो खास बातें जो कि पीएम मोदी की तरफ से लोग सुनना चाह रहे थे, वो पीएम मोदी जो कई दिनों से गायब दिख रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की रैलियों में नजर आ रहे थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात तो करते हैं और सहनशीलता और धैर्य और साहस की बात करते हैं, लेकिन वो खुद उसका प्रदर्शन नहीं करते। कहाँ से शुरू हुई इतनी बड़ी लहर? रैलियों के समय तो आपने कोई ऐसा उदाहरण सेट नहीं किया कि रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना संक्रमण हो रहा है। आज देश की जनता के सामने जब आप संबोधित करते हैं उनको और उनको धैर्य और साहस और सहनशीलता रखने की बात करते हैं, तो क्या सीखेगी जनता अगर आप खुद कोई उदाहरण सेट नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में जो भी कहा उसमें एक बात निकल कर आती है, निचोड़ ये निकल कर आता है कि सब कुछ अब राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार के हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है। लॉकडाउन का विकल्प प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के हाथ में सौंपा है कि अगर आप महसूस करते हैं तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम राज्यों में लॉकडाउन की बातें चल रही थी, कहीं कहीं लागू भी हो गई। इन सब के बीच जो एक खौफ, डर जनता के भीतर, पैनिक की स्थिति जो क्रिएट हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हर कोई, हर दूसरा शख्स अपने आसपास देखिए, आपको लगता है पीड़ित है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री का भाषण पहले नहीं होना चाहिए था? ये जो संबोधन था, क्या पहले नहीं होना चाहिए था? अब जब इतनी विकराल स्थिति हो चुकी है तो प्रधानमंत्री सबके सामने प्रकट होकर और ये भाषण देते हैं और कहते हैं कि देश कोशिश कर रहा है, लेकिन अब सब तुम अपना अपना देख लो, तुम अपना अपना कर लो, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को संभाल के रखो और लोगों को भी जागरूक करो। ये जागरूक करने का और ये अभियान, ये हम 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक माहौल क्रिएट हुआ है उस पर सरकार कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्या सरकार को पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए था कि स्थितियां ऐसी हो सकती हैं? पूर्वाभास क्यों नहीं हुआ सरकार को? क्यों इसके लिए कोई बजट तैयार नहीं किया गया? मजदूरों के लिए खास तौर पे कुछ क्यों नहीं सोचा गया? मैं भी बैठी देखने के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन को, मुझे लगा कि शायद कुछ बहुत ही खास बात कहेंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कुछ भी ऐसा खास जो जनता के हित में हो सुनने को नहीं मिला। ऑक्सीजन की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत, हर चीज की किल्लत, देश उससे जूझ रहा है, देश उसके लिए कोशिश कर रहा है, सरकारें कोशिश कर रही हैं, सब सही है, ये हर बात है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात आनी चाहिए थी योजनाओं पर कि किस तरह से उसको टैकल करेंगे, ये जो बढ़ती हुई समस्या है, विकराल होती दिन ब दिन, पर जो आंकड़े पर बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या योजना सरकार के पास है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की।
ऑक्सीजन प्लांट की अगर आपको इतनी दिक्कत, तो अगर आपने पहले से जो प्लानिंग की थी उसको वजूद में लाते लाते आपको इतना वक्त लग गया, वो भी आपने 100 से ऊपर कोई ऑक्सीजन प्लांट की बात की थी और आप मतलब गिने चुने कुछ ऑक्सीजन प्लांट लेकर आ पाए। तो क्या सरकार पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा रही थी? जब देश एक बार ऐसे संकट से पिछले ही साल गुजरा था, बीते साल इतनी दिक्कतें आई थी, तो क्या इस साल सरकार को तैयार नहीं रहना चाहिए था? खासतौर पर तब जब 5 राज्यों में चुनावी सभा रैलियां जोर शोर से चल रही हों। क्या इलेक्शन इतना जरूरी हो जाता है? क्या चुनाव ही सब कुछ हो जाता है? भाजपा एक राहुल गांधी ने तो चलिए रद्द कर दी रैलियां कांग्रेस की, टीएमसी ने भी कुछ रैलियां रद्द कर दी, लेकिन भाजपा की तरफ से वर्चुअल रैली तो होगी और 500 के करीब लोग वहां इकट्ठे हो पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कितनी जरूरी हो जाती हैं ये रैलियां। तो मैं आपसे इसलिए ये बात करना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका पालन आप जरूर करें, क्योंकि अब यही एक उपाय आपके पास है कि आप खुद को बचा कर रखें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बचा कर रखें। जो कोशिश हो सकती है आप कम्युनिटी लेवल पे, अपने लेवल पे आप ये सब जरूर पालन करें, क्योंकि एक बार हमें ऐसा होप आया था, ऐसी आस जगी थी कि अगर हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हम चाह लें तो फिर से एक बार हम कोरोना को जरूर मात दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, अब राज्य सरकारें तय कर सकती हैं अगर वो चाहें तो लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो, और जो जो मजदूर जहाँ हैं वो वहीं रहें, जो पलायन कर रहे हैं लोग वो पलायन अभी ना करें, सरकार साथ है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया है लोगों के लिए, लेकिन ये आश्वासन बहुत पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ी लेट है पर ठीक है, पलायन अभी रुकने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात में अब वो स्ट्रेंथ, अब वो ताकत, वो साख नहीं रह गई कि लोग उन पर शायद भरोसा कर सके। कहीं ना कहीं सरकार विफल दिख रही है, तब भी ये पलायन को, प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन क्या पलायन रोक पाएगा, ये भी एक सवाल है। क्या उनको, अगर वो रुक भी जाए लेकिन राज्य स्तर पर अगर लॉकडाउन हो जाता है तो वो क्या करेंगे? तो मजदूर बेबस है, लाचार है, एक बार फिर अपने अपने गांवों की तरफ जा रहा है, कोई योजना की घोषणा नहीं की प्रधानमंत्री ने। तो ये कुछ मुख्य बातें जो प्रधानमंत्री ने कही हैं, लेकिन उस पर चिंतन करके अगर आप देखिए तो ढाढ़स नहीं बंधता दिखता। जो सुनना चाहती थी जनता वो नहीं सुन पाई। 18 साल से अधिक के लोगों को, अधिक उम्र वालों को आपने घोषणा की है कि वैक्सीन लगाई जाएगी 1 मई से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी, इतनी वैक्सीन की उपलब्धता, ऐसे ही वैक्सीन की किल्लत है 45 साल से अधिक लोगों के लिए, तो जब 18 साल वाले भी उसमें आ जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, क्या इसके बारे में सरकार सोच रही है, सरकार कर रही है, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां से वैक्सीन आएंगे, कैसे लगेगा? रोजाना हम और आप देख रहे हैं अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, जिस तरह से लोग पीड़ित हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं एक रेमडेसिविर के लिए। सो हालात बहुत ही दयनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात आप जरूर सुने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और खुद को जागरूक रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। नमस्कार।